वेलकम टू विवेकानंद कोचिंग चैनल। मैं गोकुल कुमार आप सभी को अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं भारत से सटे हुए जो भी देश है पड़ोसी, उन सभी देशों के बारे में समझेंगे और वो सभी देश भारत के किन किन राज्य और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। पहले हम लोग जानेंगे कि चीन, तो चीन जो है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, इनके बारे में हम लोग जानने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीन देखिए, चीन ये रहा, चीन को देखिए और किन किन राज्यों को और कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, टच करती है, देख रहे होंगे आप लोग, लद्दाख को टच करता है चीन की सीमा। ठीक है, दूसरा दिखेगा यहाँ पे, देखो लद्दाख है और उसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश भी दिखेगा, यहाँ देखिए ये लद्दाख हुआ, लद्दाख की सीमा को टच करता है चीन की सीमा, दूसरा हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है और तीसरा उससे थोड़ा नीचे आइए उत्तराखंड को भी टच करता है। ठीक है, तीन राज्य हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब भारत के सीमा को दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, देख रहे होंगे। ठीक है, उत्तराखंड, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नहीं टच कर रहा है यूके, यहाँ पे इसके बाद नेपाल आ गया, बीच में नेपाल आ गया है, तो ये नहीं, इसको नहीं टच करता है, इसके आगे आइए, ये पूरा नेपाल है, यहाँ पे आकर के देखिए थोड़ा सा पार्ट जो है वो सिक्किम के ऊपर टच कर रहा है, सिक्किम को। ठीक है, तो ये आपका चार हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम चौथा हो गया। पांचवा देखिए, अब ये फिर ये बीच में जो है आ गया भूटान, ये भूटान देश है, इसको नहीं टच करेगा, ये देश है, भारत की सीमा को इस बीच में नहीं टच कर पाता है चीन। इसके बाद डायरेक्ट आप देखिए कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप सभी को याद हो जाना चाहिए कि चीन जो देश है, चीन भारत के किन किन सीमा को टच करता है, तो याद कर लीजिए और मेरे साथ साथ बोलिएगा किन किन राज्यों को या केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, याद हो गया होगा चीन से रिलेटेड। अब चलिए दूसरा देश के बारे में हम बात करेंगे, नेपाल। यहाँ पे आप लोग नेपाल को देख रहे होंगे, नेपाल भी भारत के पांच राज्यों को टच करता है और वो कौन कौन से राज्य है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, देखेंगे आप लोग मैप में और मैप के थ्रू आप लोग आसानी पूर्वक समझ जाएंगे, इसलिए मैं जो है वो मैप का यूज कर रहा हूं। पहला देखिए नेपाल, ये उत्तराखंड को टच करता है, पहला हुआ। दूसरा देखिए ये नेपाली है, दूसरा यूपी को टच कर रहा है ना नेपाल की सीमा। ठीक है, तीसरा देखिए आप किसको टच कर रहा है, ये आपका बिहार का, तीसरा हो गया बिहार। चौथा देखिए ये पश्चिम बंगाल के भी थोड़ा पार्ट को टच कर रहा है, यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल के भी पश्चिम बंगाल को भी टच करता है, तो चार हो गया। पांचवा सिक्किम को। ठीक है, इस तरह से आप पांच को राज्य के बारे में आप लोग जान गए कि पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा WB मतलब वेस्ट बंगाल और पांचवा सिक्किम। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीन और नेपाल इन दोनों देशों के बारे में समझा कि किन किन राज्यों को टच करता है, किन किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है भारत के। ठीक है, तीसरे बात समझ में आ गया, सात देश जो है वो टच करता है भारत से, तो सातों देशों के जो राज्य की सीमाएं हैं भारत की उनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तीसरा है बांग्लादेश के बारे में हम लोगों को समझना है कि किन किन राज्यों को टच करता है, ध्यान दीजिए, पहला आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल हुआ, उसके बाद थोड़ा देखिए ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है पूरा यहां से लेकर यहां तक। दूसरा जो हो गया आपका आसाम, देखिए आसाम के भी पार्ट को थोड़ा टच कर रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये बांग्लादेश जो देश है बीच में वो आपको आसाम के सीमा को भी टच कर रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए मेघालय, तीसरा हो गया मेघालय को भी टच कर रहा है और चौथा आपका हो गया किसको, ये आपका हो गया त्रिपुरा, किसको, त्रिपुरा और चौथा, अब पांचवा हो गया आपका मिजोरम, देखिए मिजोरम के भी पार्ट को थोड़ा टच कर रहा है क्योंकि यहां से सीमा है म्यांमार का और इससे इधर बांग्लादेश का ही है, म्यांमार का इससे इधर जो है वो बांग्लादेश है और इधर जो है वो है म्यांमार। ठीक है,
तो इस तरह से आपने ये समझा कि बांग्लादेश भी जो है वो भारत के 5 राज्यों को टच करता है, वो कौन कौन से हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल सबसे पहले, पश्चिम बंगाल, दूसरा आपने देखा आसाम, किसको, आसाम, तीसरा आपने क्या देखा, हिमालय, तीसरा देखा हिमालय, चौथा आपने किसको देखा, मेघालय, सॉरी मेघालय, ठीक है, उसके बाद चौथा आपने देखा त्रिपुरा, अब पांचवा आपने देखा मिजोरम। इस तरह से हमने समझा कि चीन, उसके बाद नेपाल, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, भारत, बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये तीनों देश जो है वो 5-5 राज्यों को टच करता है, और एक और है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी भारत के 5 राज्यों को टच करता है या केंद्र शासित प्रदेश। पहला देखिए पाकिस्तान, देखिए ये पाकिस्तान का पार्ट है, अब पाकिस्तान भारत के किस दिशा में है, तो अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो पाकिस्तान किस दिशा में है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, तो कौन कौन से राज्यों को टच करता है, पहला देखिए गुजरात, किसको, गुजरात को टच कर रहा है, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख। तो इस तरह से आपने समझा कि जब पाकिस्तान जो है वो भी भारत के 5 राज्यों को टच करता है, किसको किसको टच करता है, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर, पांचवा लद्दाख, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि पाकिस्तान भी 5 राज्यों को टच करता है, तो इस तरह से 4 हो गया कंप्लीट, और उसके बाद पांचवे के बारे में हम लोग चलेंगे, म्यांमार के बारे में समझेंगे। ये देखिए म्यांमार का यहां से सीमा है, ठीक है, ये म्यांमार देश है, और ये म्यांमार जो है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, तो इनके बारे में हम लोग समझेंगे, और ये भारत के 4 राज्यों को टच करता है। पहला देखिए कौन सा है, ये आपका हो गया मिजोरम, कौन सा, मिजोरम, कौन सा, मिजोरम। दूसरा देखिए मणिपुर, किसको टच करता है, मणिपुर। तीसरा देखिए नागालैंड, किसको टच करेगा, नागालैंड। और चौथा अरुणाचल प्रदेश, किसको, अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से आपने समझा कि भारत, म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है, मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा अगर आप मैप बना बना करके समझेंगे तो आसान होगा ये सब सारे समझना कि किन किन राज्यों को। वैसे ही देश है भूटान, अब समझिए कि भूटान जो है वो भारत के किन किन राज्यों को टच करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए भूटान का सीमा देखिए सबसे पहले किसको लग रहा है, डब्ल्यू बी, किसको, वेस्ट बंगाल, किसको लग रहा है, वेस्ट, ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे आपका सिक्किम को भी टच करता है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, देखिए सिक्किम को भी थोड़ा टच कर रहा है, तो पहला हो गया सिक्किम, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, कौन सा, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा देखिए ये असम, असम देख रहे हो ना, असम के पार्ट को भी टच कर रहा है, 3 हो गया, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो आसान हो गया, कौन कौन सा, सिक्किम, पहला कौन सा, सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो भूटान हो गया, तो इस तरह से हमने देखा बांग्लादेश देख लिया, म्यांमार देख लिया, भूटान देख लिया, नेपाल देख लिया, चीन देख लिया, पाकिस्तान देख लिया। तो इस तरह से 6 देशों के बारे में हमने समझा कि भारत के किन किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। अब बचा एक, वो है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान की अगर बात किया जाए तो सिर्फ एक जगह को टच करता है, वो है लद्दाख, ठीक है, मात्र एक। तो अब मेरे साथ साथ आप लोग भी जो है वो रिवीजन करेंगे, और मेरे साथ साथ बोलिएगा आप लोग, ठीक है। पहला चीन, चीन किन किन राज्यों को टच करता है, थोड़ा बताइए, चीन किन किन को, पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, कौन सा, हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, किसको, उत्तराखंड, यूपी को कहाँ टच करता है, तीसरा कौन सा, उत्तराखंड, चौथा किस कैसे क्या हो गया, सिक्किम, अब पांचवा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, पांचवा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, पांचों याद हो गया। उसके बाद आ जाइए नेपाल, तो नेपाल की अगर हम बात करें तो ये भी 5 राज्यों को टच करता है, ये है पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पांचवा सिक्किम, कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए बांग्लादेश,
बांग्लादेश भी पांच राज्यों को टच करता है। पहला वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। ठीक है, कंप्लीट। उसके बाद जो हम आएंगे वो पाकिस्तान, जो पांच राज्यों को ये भी टच करता है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा लद्दाख। ठीक है, हो गया। उसके बाद आओ म्यांमार के बारे में, ये चार राज्यों को टच करता है। पहला मिजोरम, कौन सा मिजोरम, उसके बाद दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद जो है वो है आपका भूटान, कौन सा भूटान। तो पहला सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा असम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और लास्ट जो है वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख को टच करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।